छत्तीसगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों पर नक्सली हमले में शहीद हुए यमुनानगर के कल्याणपुर के नूर हुसैन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कल्याणपुर लाया गया, जहां पर बीती रात 8:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ शहीद नूर हुसैन को गमगीन माहौल में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद नूर हुसैन के पास 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की शादी कर दी गई है, जबकि बेटा मोइन 14 वर्षीय है, जो इस समय पढ़ाई कर रहा है। बता दें कि वह नक्सली हमले में गोली लगने की वजह से शहीद हो गए थे। नूर हसन जी, इनको वहाँ कोई नक्सलियों से मतलब मुठभेड़ में गोली लगी है, जो शहीद हो गए हैं गांव के लिए। हमें उन पर बहुत गर्व है। जो मतलब पीछे भी हमारे गांव से मतलब 2-3 जवान जो शहीद हुए हैं, तो मतलब यह है कि हमें बहुत गर्व है अपने गांव के फौजी और जितने भी फौजी हैं। अच्छी बात है, लेकिन यह नक्सलवादियों सब छत्तीसगढ़ का एरिया है जी। वहाँ ज्यादातर नक्सलवादी, तकरीबन आपको पता ही है उसके बारे में, वहाँ नक्सलवादी ज्यादातर रहते हैं, तो वहाँ कोई मुठभेड़ हुई है उसमें शहीद हो गए। तो अभी जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो कितनी देर में पहुंच गया है? वो लगभग आधे घंटे तक हमारे बीच आ जाएगा जी, मतलब शाहबाद पहुंच गए, शाहबाद के आसपास पहुंच गया जी, आधे घंटे तक हमारे बीच में पहुंच जाएगा जी। इसके बाद उनको फिर यहाँ से गांव ले जाएंगे जी। हाँ जी, तो यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, तो किस तरह से सम्मान किया क्या? बस यार, सम्मान तो आपको पता है, हर बंदा चाहता है जी मैं अच्छे से सम्मान करूँ, लेकिन चलो देखते हैं, अभी आ जाएंगे आपके सामने या जो भी होगा। मतलब हमारा भी है, हमें गर्व है, हमारे गांव का जो शहीद हुआ है, तो सम्मान इंशाल्लाह पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आज ही उसको खाके सुपुर्द किया जाएगा या कब किया जाएगा? देखो, हमारे गांव वाले की कोशिश तो है उसको आज ही करने की, बाकी जो उनका मतलब उनकी जो बटालियन वगैरह है, जो मतलब कानून होते हैं सीआरपीएफ के, उनसे बाकी पता, देखो उनका क्या रूल है, आज करते हैं या सुबह करते हैं, वो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे जी परसों में 4:30 बजे 5:30 बजे फोन आया उसके लड़के के पास। उसके 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले उसके डैडी के साथ बात भी हुई, उसने हाल चाल पूछा, उसका तबीयत पूछी। उसके बाद एक लड़के का फोन आया वहीं से, आर्मी में सीआरपी में से, इसकी गोली लगने से दिक्कत बढ़ गई। थोड़ी देर में फिर दोबारा फोन आया कि उसकी डेथ होगी। फिर यहाँ पता लगा कि नक्सलवादियों से मुठभेड़ हुई है उसकी, और 3 आदमी कैजुअल्टी हुई है, हमारे को ये कन्फर्म हुआ। उसके बाद गांव इकट्ठा हो गया और उसके बारे में जान पूछ करने लगे यहाँ से काफी लड़के सीआरपी में, उनसे कंफर्म किया, ऑपरेटर भी है यहाँ के लड़के, उनसे भी कंफर्म किया। उन्होंने कहा भी कल को परसों डेड बॉडी 4-5 बजे तकरीबन पहुंचेगी, फिलहाल ये पता चला था परसों। तो अभी डेड बॉडी आने में कितना टाइम लगेगा? तकरीबन लग जाएगा आधा घंटा, ये मलाना के सड़के पे पहुंच गई। इसके पास 2 बच्चे, एक लड़का है एक लड़की है। लड़की की शादी कर दी पिछले मार्च में, लड़का अभी 10+2 में पढ़ रहा है। तो जैसे गांव के कुछ लोग पहले भी सुनने में आया कि शहीद हो चुके हैं इस गांव के? हाँ, इस गांव से ही एक तो पहले मरा था जी, कैजुअल हुई थी उसमें श्रीलंका में, दीन मोहम्मद, उसका नाम दीन मोहम्मद था। और पिछले साल यहाँ अप्रैल में आसाम में कोकराझार में डेथ हुई थी, वो भी ऐसे ही नक्सलवादियों से मारा गया था, उसका नाम जयमलदीन था। और यहाँ से काफी लड़के अभी भी सर्विस कर रहे हैं बाहर है। कितने लोग यहाँ पर जो डिफेंस में हैं? कम से 100 से ज्यादा है जी, गिनती तो नहीं किया मैंने, लेकिन 100 से ज्यादा है जो डिफेंस में ड्यूटी करते हैं। और काफी रिटायरमेंट भी आ गए हैं। ये जो पहला गाँव है जिसमें से ऐसा एक गाँव है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि अनपढ़ लड़के भी सर्विस पूरी करके अपनी रिटायरमेंट ही आ गई है। तो इनकी नूर हुसैन है जी, इनकी उम्र कितनी थी जी? ये 1994 का भर्ती था जी, और ऐसे ही 45 44 ऐसी एज थी जिसकी। परिवार को सबको इसकी पूरा गर्व है, देश की के जवान, देश के लिए, की रक्षा के लिए काम है, सबको उसके ऊपर ऊपर फख्र है। और अभी देखते हैं, अभी तकरीबन आधे घंटे के बाद इसका सब जो है गांव में पहुंचने वाला है। उसके बाद जो इधर से आएंगे गांव का भी सम्मान, जो डिफेंस जो लोग उनके जो साथी आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे, पूरी बात वो बताएंगे, इसमें कैसे हुआ क्या हुआ पूरी बात वो बताएंगे। कुछ प्रशासन के लोग आएंगे, कुछ आ भी गए थे प्रशासन लोग, तो परिवार को मिल के भी गए हैं, उस पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो कुछ उसके बाद होगा, देखते हैं अगर क्या होता है। तो जो खाकिस्पुर आज ही किया जाएगा? आज ही किया जाएगा।
हाँ क्योंकि इसको 3 दिन वैसे भी हो गए, और अगर टाइम बचता है तो अभी करो।